और देश के आम लोगों पर सरकार ने आवश्यक सेवाओं पर टैक्स बढ़ाकर आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने तमाम मानवता और संवेदनाओं को ताक पर रखकर जन विरोधी काम किया है। इसका कांग्रेस करनाल जिले में विरोध करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस संयोजक त्रिलोचन सिंह ने भाजपा सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं पर टैक्स लगाने पर रोष जाहिर किया है। करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर टैक्स लगाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। सरकार ने 2% मार्केट फीस सब्जियों पर लगाकर आम लोगों की पहुंच से सब्जियों को बाहर कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज ने 1 रुपया प्रति किलोमीटर किराए में वृद्धि कर जनता को तिल तिल मरने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस समय देश और प्रदेश कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की त्रासदी सहन कर रहा है। लोगों की नौकरी जा रही है, दुकान उद्योग व्यापार चौपट हो रहे हैं, मध्यम वर्ग सरकार के गलत निर्णयों की बड़ी कीमत चुका रहा है। मुख्यमंत्री ने सब्जियों पर टैक्स लगाकर अपनी संवेदनहीनता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने कोरोना संकट से लड़ने में सरकार को भरपूर आर्थिक सहायता दी है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। सारा देश, सारा संसार जूझ रहा है, ऐसे में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने और करनाल के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आश्वासन दिया कि हम सरकार के पूरा सहयोग करेंगे, सरकार की गाइडलाइन पे हम चलेंगे। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम गूंगे बहरे हो जाएंगे। कोरोना की आड़ में सरकार कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जो आम जनमानस के हितों में नहीं है। किसानों की दुर्दशा, गरीब मजदूरों का पलायन, फैक्ट्रियां बंद, मध्यम पिस्ता हुआ मध्यम वर्ग, और अभी जो कल ही इन्होंने रेट बढ़ाए हैं पेट्रोल पे, डीजल पे, बसों का किराया, सब्जी पे, शराब पे जो टैक्स लगाए हैं, इससे साफ नजर आता है कि सरकार, हरियाणा सरकार किसी भी तरह की हरियाणा के लोगों के साथ खड़ी नहीं है। मैंने डीसी महोदय को पत्र लिखा है कि कृपया मेरे 5 आदमियों को इजाजत दीजिए धरना देकर हम अपनी आवाज को उठा सकें और जो जनता के हितों पर कुठारघात हो रहा है उसके ऊपर बोल सके। अभी तक मेरे को जवाब नहीं मिला। आज मैं अपने भाइयों के बीच में आया हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रेम जी, भाई जोगिंदर जी जो हमारे कांग्रेस की बुलंद आवाज है, इनका अभी काफी जगह मैं जाऊंगा, मैं अपने भाइयों के साथ दुख में सुख में शामिल हूँ, खड़ा हूँ। भगवान करे ये कोरोना की चपेट खत्म हो, हम सारे भाई खुशी खुशी दोबारा रह सके। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.